लखनऊ से खबर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मतदान किया है, वोट डालने के बाद बीएसपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। बीएसपी बेहतर ढंग से चुनाव लड़ रही है, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता बीएसपी को मौका देगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मतदान किया है। आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है पहले चरण का 37 जिलों में, और इस दौरान लखनऊ में अपना वोट कास्ट किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जनता बीएसपी को जरूर मौका देगी। तो ये बड़ी बातें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कही गई जब वो चुनाव देकर मतदान कर बाहर निकली। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूं कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने वोट डाला है। सीएम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वोटिंग के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान। निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू, मैंने निकाय चुनाव के लिए मतदान किया है, नगरीय व्यवस्था सुंदर बनाने के लिए ये चुनाव है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही गोरखपुर में मौजूद, आज खासतौर से मतदान के लिए, और उन्होंने सुबह होने के साथ ही मतदान किया है। उनके मतदान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और मतदान करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ विक्ट्री साइन भी दिखाया है। तो इसी के साथ जिक्र किया है कि नगरीय व्यवस्था सुंदर बनाने के लिए ये चुनाव है। तो ये महत्वपूर्ण बात मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है कि नगरीय व्यवस्था सुंदर बनाने के लिए चुनाव है। लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकाय चुनाव में अपने मत का प्रयोग करें और पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। तो इस आह्वान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद अपील की है लोगों से और अपने मत का प्रयोग किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के मतदान करती हुई ये तस्वीरें हैं। तो निकाय चुनाव का आज पहले चरण का मतदान, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है। महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है, हम इसका बेहतर उपयोग करें। और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें। हो सकता है कुछ जगह बारिश की कुछ बौछारें देखने को मिले और हो सकता है कुछ जगह धूप भी दिखाई दे, क्योंकि 9 कमिश्नरी के 37 जनपदों में आज चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर वाराणसी तक आज चुनाव संपन्न होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन इस सब की प्रवाह के बगैर अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार को कर्तव्य मान करके इसका बेहतर उपयोग हर मतदाता करेगा, ये मेरी प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील रहेगी। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार होने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं।